असलमेकम कैसे हैं आप सब वेलकम बैक टू माई चैनल आई सी सी क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री की टॉप फोर टीम्स कौन सी होंगी मुख्तलिफ़ प्लेयर्स मुख्तलिफ़ एक्स क्रिकेटर्स मुख्तलिफ़ लैजेंड्स और फैंस भी मुख्तलिफ टीम्स को टॉप फोर में प्रडिक्ट कर रहे हैं बट आई थिंक के इस तरह से कोई भी टीम को टॉप फोर में प्रडिक करना इज़ नॉट ईज़ी ऑबियसली एंड और हम जस्ट uh, प्रडिक्शन uh, ही दे रहे हैं और uh, हो सकता है उससे अलग भी हो बट मोस्टली uh, जो uh, जिन्होंने भी ये प्रडिक्ट किया है टॉप फोर आई क्रिकेट वर्ल्ड कप का तो उन्होंने मोस्टली इंडिया पाकिस्तान और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को रखा है बट आई बिलीव के यू कैन नॉट अंडर न्यूजीलैंड बिकॉज न्यूजीलैंड भी आई सी सी टूर्नामेंट में ऑसम परफॉर्मेंसेज देती है हमेशा ही और लास्ट भी जितने भी आई सी सी देख लें तो टॉप फोर में तो न्यूजीलैंड ने फिनिश किया ही किया है और ट्वेंटी में तो ही दे वर द फाइनलिस्ट और वही मेन पॉइंट यही है कि न्यूजीलैंड को आप अंडर नहीं कर सकते और इसी तरह से आप साउथ अफ्रीका को भी अंडर नहीं कर सकते ओबियसली अभी वो इतने ज़्यादा एज अ टीम वो इतने फॉर्म में नहीं है और इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली है उन्होंने रिसेंट पास में बट यू कैन नॉट अंडरस्टिमेट साउथ अफ्रीका एज़ वेल सो मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है ये प्रेडिक्ट करना कि कौन सी टॉप गोटिंग होंगी वैसे मोस्टली एज आई मेंशन मैंशन अर्लियर के इंडिया पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को प्रेडिक्ट किया है बहुत से लेजेंड्स ने बट किसी किसी ने इसमें से ऑस्ट्रेलिया को हटा के न्यूजीलैंड को फेवरेट करार दिया है टॉप फोर के लिए किसी ने न्यूजीलैंड को हटा के साउथ अफ्रीका को बिकॉज ऑस्ट्रेलिया को इसीलिए बहुत से लोगों ने हटाया है टॉप फोर से कि ऑस्ट्रेलिया का इतना रेकर्ड अच्छा नहीं है एशिया में स्पेशली इन इंडिया तो इस वजह से है कि सब कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का इस बार चांस नहीं है टॉप फ़ोर में आने का But you cannot as I uh, said uh, before बिफोर okay, के you cannot underestimate any team because बिकॉज ऑन द गिविन डे जो team अच्छा खेलेगी जो team अपना बेस्ट देगी वही जीतेगी और ऑन द गिविन डे अपनी अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए ऐसा नहीं है कि बस आप जस्ट आप गए एंड आपने अच्छा खेल लिया इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क ये क्रिकेट भी एग्जाम की तरह ही है कि ओवरनाइट आप पढ़ के या ओवरनाइट आप प्रैक्टिस करके आप अच्छा मैच नहीं खेल सकते नॉट एट ऑल आपको पूरा साल उस चीज़ के लिए मेहनत करनी है और मेहनत कंटिन्यू रखनी है ओवियसली जो ज़्यादा मेहनत करेगी टीम जो टीम ज़्यादा फोकस होगी जो टीम ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेलेगी वही टीम विन करेगी विंग पाकिस्तानी हम तो यही चाहते हैं कि हमारी टीम वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करें और न सिर्फ सेमीफाइनल खेले बल्कि उसे जीते भी और फ़ाइनल भी जीते और वर्ल्ड कप जीत के आए इन बट प्रडिक्शन के बारे में मैं तो वैसे भी आ, कभी भी टॉप फोर प्रडिक्ट करती हूँ बिकॉज़ मैं किसी भी टीम को अंडस्टिमेट नहीं कर सकती बिकॉज़ न्यूजीलैंड से तो मुझे वैसे भी बहुत उम्मीदें हैं और केन विलियमसन भी आ, है कि हो सकता है वर्ल्ड कप के स्कॉड का हिस्सा हो बिकॉज उन्होंने भी नेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है तो साउथ अफ्रीका से इतनी ज़्यादा मुझे नहीं है होप्स बट आई थिंक के इट्स अ टफ चॉइस बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड फॉर टॉप फॉर और इंडिया पाकिस्तान तो ओबियसली आई बिलीव के होंगे ही होंगे इन पाकिस्तान तो ओबियसली होगा ही और पाकिस्तान सिर्फ सेमीफाइनल में होगा बल्कि फाइनल में भी होगा इनशाला पाकिस्तान विन भी करेगा और न्यूजीलैंड को एज आई सेड के आप अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते और इंग्लैंड को भी देखो तो इंग्लैंड राइट नाउ जो बेस्ट वाइट बॉल की कोई अगर टीम है तो वो इंग्लैंड है एंड दे आर प्लेइंग एक्सेप्शनल क्रिकेट काफ़ी टाइम से वो बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं दे आर दी चैम्पियंस ऑफ दे आर द चैम्पियंस ऑफ टी एज वेल और टेस्ट क्रिकेट में भी वो अच्छा खेल रहे हैं भी एशेज़ में भी देवर माइंड ब्लोइंग और टू ज़ीरो जाके भी दे मैनेज टू लेवल द सीरीज़ और दे कुड विन दैट सीरीज़ एज वेल बिकॉज अगर uh, जो फोर्थ टेस्ट मैच था उसमें रेन इंटरप्ट नहीं करती तो इंग्लैंड वाज क्लियरली विनर ऑफ द फोर्थ टेस्ट मैच तो फिर इंग्लैंड टू ज़ीरो जाके है कि टू थ्री से सीरीज़ विन भी कर सकता था तो दे आर फिनॉमिनल और ऐसा पहली बार नहीं है इंग्लैंड ने पहले भी बहुत बार ऐसा किया है पाकिस्तान में भी जो टी ट्वेंटी सीरीज़ हुई थी उसमें जब आफ्टर फाइव टी ट्वेंटी मैचेज देवर टू थ्री मतलब पाकिस्तान को थ्री टू की लीड हासिल थी बट दे मैनेज टू विन दैट टी ट्वेंटी आई सीरीज़ विद फोर थ्री और uh, बहुत ही अच्छा खेलते हैं इंग्लैंड uh, जो वाइट बॉल क्रिकेट है वो बहुत ही अच्छी खेलते हैं तो इंग्लैंड uh, तो टॉप uh, फोर में होगा ही होगा और ऑस्ट्रेलिया का ओबियसली थोड़ा सा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है इन in इंडिया और ओवरऑल एशिया में इतना ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं है ऑस्ट्रेलिया का तो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया टॉप फोर में ना हो बट सेड के आई कैन नॉट स्पेशली आई कैन नॉट एनी टीम के ये टीम होगी और ये टीम नहीं होगी बिकॉज ऑन द दिन डे एद आ सैड के जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा और जो टीम ज़्यादा मेहनत करेगी थ्रू आउट द यर वो विन करेगी ऑब्वियसली अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट अल्लाह हाफिज़